अच्छा, जो एक्सरसाइज 2.4 है क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 2 में, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इसको हम गॉस एलिमिनेशन का मतलब ये है कि इसको हम इशिलान फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे, और गॉस जॉर्डन का मतलब ये है कि फिर हम इसको रिड्यूस इशिलान में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, 1 माइनस 1 4, 2 2 माइनस 1 और 3 2 3 माइनस 2 3, और इसी तरह से ये एक्स वाई जेड, और इसको अलग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। तो इसको हमने मैट्रिक्स ए का नाम दिया और इसको हमने मैट्रिक्स बी का नाम दिया। ठीक है, अब इसको हमने आर्गुमेंटेड फॉर्म में लिखा, जिस तरह ये हम गॉस एलिमिनेशन की मदद से सॉल्व करते हैं इशिलान फॉर्म में, तो इसको आप आर्गुमेंटेड फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि इन दोनों को कनेक्ट करें, ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय रो ऑपरेशन। किस तरह सॉल्व करेंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं इसको हम ज़ीरो कर देते हैं, तो ये R2 माइनस R2 R1 करेंगे, R2 माइनस 2 R1, इस रो ऑपरेशन की मदद से R2 माइनस 2 R1 की मदद से हम ये ज़ीरो करेंगे। तो ये रो वन जो है इसको अपनी जगह पे लिख के, और देखें यहाँ पे 2 माइनस 2 ज़ीरो, ये 2 और इसके साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 4, -1 -8 -9, ये 2 माइनस 8 -6। इस तरह जब हम इसको ज़ीरो करते हैं तो R3 से हम 3 टाइम R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 3 माइनस 3 ज़ीरो, -2 और ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो +3 हो जाएगा, तो -2 प्लस 3 1, और ये 3 माइनस 12 -9, और ये -3 और -12 -15 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमें 1 की ज़रूरत है, तो ये जो R3 और R2 है इसको हम इंटरचेंज करेंगे, R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमने R2 और R3 को इंटरचेंज किया। अब गॉस एलिमिनेशन यानी इशिलान फॉर्म में हम इस 4 को ज़ीरो करेंगे बाई रो ऑपरेशन, सो R3 से हम 4 टाइम R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पे इन दोनों रोज़ को अपनी जगह पे लिख के, अच्छा, और इसके साथ रो ऑपरेशन करें तो ये 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ये 4 और इसको -4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 4 ये भी 0, ये -9 इसको -4 से मल्टीप्लाई करें तो 36, 36 -9 से 27 आएगा, ये -6 और ये +60 तो ये होगा 54। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, देखिए यहाँ पे ये जो 27 है, तो ये 27Z है, इसमें x और y 0 है, तो 27Z हमारे पास बराबर हुआ 54 के, दोनों तरफ को आप डिवाइड करें 27 से, तो z की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 2। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखें तो इसमें जो x है ये 0 है, और ये y-9z होगा, y-9z ये बराबर होगा -15 के, तो z की वैल्यू हमने यहाँ पे पॉइंट की z इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करें। ठीक है, तो ये y-9 × 2 इज इक्वल टू -15, ये -18 हो जाएगा, इस तरफ ले आए तो ये -15 + 18 हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 3। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखें तो ये x-y + 4z है,
एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड और ये बराबर हैं फोर के। तो y की जगह हम पुट करते हैं 3 को और z की जगह हम पुट करते हैं 2 को। तो ये होगा x माइनस 3 प्लस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 4। तो ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, 5 को इस तरफ ले आए तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस 1 के बराबर होगी। तो इस तरह ये हमने सॉल्व किया बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, माइनस 1 और y की जगह 3 पुट करें और z की जगह 2 पुट करें। ठीक है, ये गॉस एलिमिनेशन। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं बाई गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से। अच्छा, अब हम इसको तो फिर वापस हम इस मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस इशीलान फॉर्म में, जो कि हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड है। तो रिड्यूस इशीलान फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो माइनस वन है इसको हम ज़ीरो करते हैं बाई रो ऑपरेशन। किस तरह करेंगे, ये जो आर वन है इसके साथ हम आर टू को प्लस करते हैं। तो ये वन प्लस ज़ीरो वन, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, और ये फोर माइनस नाइन माइनस फाइव आएगा, और ये फोर माइनस फिफ्टीन माइनस एलेवन आएगा। ठीक है, बाकी जो है ये अपनी जगह पे लिख के इस तरह 27 54। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ये करना है कि ये जो 27 है इसको हम 1 बनाते हैं। तो ये 27, ये जो R3 है इसको 27 पे डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसको 27 पे डिवाइड करें तो ये 1, इसको 27 पे डिवाइड करें तो ये 2 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज जो है इसको ज़ीरो करते हैं। तो ये जो R1 है इसके साथ हम 5 टाइम R3 को प्लस करते हैं। तो ये 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, माइनस 5, और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ प्लस करें तो 0। ये माइनस 11 और ये प्लस 10, माइनस 11 प्लस 10 माइनस 1 आएगा। इसी तरह से इसको 0 करते हैं तो इसके लिए हम R2 के साथ 9 टाइम R3 को प्लस करते हैं। तो ये 0 प्लस 0 1 प्लस 0 और ये माइनस 9 और ये प्लस 9, ये माइनस 15 प्लस 18, तो ये 3 आएगा, और इसको अपनी जगह पे लिखें। तो इस तरह ये हमने गॉस जॉर्डन की मदद से सॉल्व किया। इसमें देखें ये x जो है ये बराबर है माइनस 1 के, y और z इसमें 0 है, इसमें x और z 0 है, और y जो है ये बराबर है 3 के, और इसमें x y 0 है तो z बराबर है 2 के। तो इस तरह इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो माइनस 1, 3 और 2। तो जो आंसर हमारे पास गॉस एलिमिनेशन की मदद से आया था, ठीक है, वही आंसर गॉस जॉर्डन की मदद से भी आया। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन की मदद से।